पहले तो सिर्फ मुंबई का क्रिकेट होता था, लेकिन आजकल जो है क्रिकेट ओवरऑल जो है टोटल इंडिया में कोने कोने से जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ आ रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा एडवाइस सब पेरेंट्स को ये है, आपको जज करना है कि आपका बेटा या बेटी कौन से लेवल का वो स्पोर्ट खेल सकते हैं। सोलह सत्रह साल के बाद ही उनकी असली क्रिकेट शुरू होती है, मसल्स डेवलप होते हैं। हर एक माँ बाप को यही लगता है कि अपनी बच्ची अपना लड़का इंडिया के लिए खेले, सबका ड्रीम होता है, एंड टू हैव दैट ड्रीम इट्स एब्सोल्युटली राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। वेलकम टू एसआरजी स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन श्री संजय नाइक, ये हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और आज एक ऐसा खास मौका है कि गाइल शील्ड जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसका फाइनल है, और इसी मॉर्निंग में जो है हम लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनसे सवालात करेंगे और ऑफ कोर्स स्कूल क्रिकेट के बारे में। मुंबई क्रिकेट ये ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट है, मुंबई क्रिकेट का तो मुंबई क्रिकेट की शुरुआत इन बच्चों की इसी से होती है, इसी स्टेज से होती है, और यहाँ जो एनवायरनमेंट है इनका फाइनल्स वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, और ये बहुत बड़ा ओकेजन है। संजय जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आप मुझे बताइए कि ये फाइनल्स है, उस दिन हम लोग ने बीकेसी में भी सेमीफाइनल्स था, तो ये जो राज है, ये जो सीडेड चेंज है, क्योंकि फर्स्ट राउंड से भी जो है इन बच्चों को जो है जिमखाना के भी जो अपना सी फेस जिमखाना है वहाँ के भी ग्राउंड मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो खेले, ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी चेंजेस है जो कि बहुत अच्छी है इन बच्चों के लिए भी, और ख़ासकर एमसीए की सोच के बारे में। तो आप इसके ऊपर अगर ज़रा सा रोशनी डालेंगे तो फिर बेटर होगा। स्कूल क्रिकेट ये तो पूरे क्रिकेट का बेस है, फाउंडेशन है। अगर आपको फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो तो आगे चल के यही बच्चे हैं जो मुंबई रिप्रेजेंट करेंगे अंडर 16, अंडर 14 मुंबई, अंडर 19 मुंबई, अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी। तो उनके लिए एक्सपोजर, स्टेडियम क्या होता है, इंटरनेशनल फील्ड क्या होता है, और इंटरनेशनल ग्राउंड पे खेलने का उनको मौका ये उम्र में अगर दिया गया तो दे कैच अप दैट प्रोफेशनलिटी वेरी फास्ट। ओके। और उनका जो सीरियसनेस है टुवर्ड्स द गेम ऑफ क्रिकेट, यू अचीव इट फ्रॉम द टाइम ऑफ स्कूल लेवल। और ये फाइनल जो हो रही है 46th फाइनल है, और इसका एक चीज़ ये है कि बहुत सालों से दो तीन स्कूल ही थे मुंबई में, विवेकानंदन, अंजुमन इस्लाम या रिजवी, जो ये फाइनल तक आते थे। अब ये मॉडर्न और ऑक्सफोर्ड, किसी ने मुंबई में ज़्यादा करके नाम सुना नहीं होगा कि क्रिकेट में मॉडर्न स्कूल और ऑक्सफोर्ड स्कूल भी क्रिकेट में गाइल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। यस, वेरी ट्रू। इसका मतलब ये है कि जैसे हिंदुस्तान के, अपने भारत के हर एक छोटे छोटे ज़िले में क्रिकेट जा रहा है, और वहाँ से धोनी जैसे आइकॉनिक प्लेयर आते हैं, अभी एक रिंकू सिंह आया, मतलब कहाँ से आया है, वैसे ही मुंबई के कोने कोने के स्कूल इतने प्रोग्रेसिव क्रिकेट खेलने लगे कि आज वो गाइल शील्ड, प्रेस्टिजियस गाइल शील्ड, जिसमें आइकॉनिक प्लेयर, मतलब आप बोलो सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली से लेके पृथ्वी शॉ तक, और शर्मा बोलो, श्रेया अय्यर बोलो, सूर्य कुमार बोलो, सब खेल खेल के यहाँ तक पहुँचे वो ग्राउंड पे। Exactly. आज ये बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सोच थी मुंबई क्रिकेट की, पूरे मेरे एपेक्स काउंसिल की, कि जितने जल्दी इनको एक्सपोजर इंटरनेशनल ग्राउंड का मिलता है उतना उनको अपने एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। एंड राइट नाउ मैं उनके ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल से बात कर रहा था, डेडिकेटेड स्पोर्ट्स आर है जिसमें वो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, और बच्चों को पूरे साल में 9 तक जब चाहिए तभी एग्जाम पर बैठने का, ये जो फैसिलिटी स्कूल्स दे रही है टू प्रमोट क्रिकेट एंड ऑल अदर स्पोर्ट्स, इट्स फैंटास्टिक। मतलब इवन फॉर देयर पेरेंट्स टू चूज़ के भाई इसमें बच्चे लोग अपना करियर कर सकते हैं,
एट अ वेरी अर्ली एज, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि हैरिस शील्ड्स आइलैंड में भी हमने देखा कि जनरल एजुकेशन सोसाइटी जो स्कूल है चेंबूर का, मेरे ख्याल से वो भी पहला नाम है। और आपका वो कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, पहले तो सिर्फ मुंबई का क्रिकेट होता था, लेकिन आजकल जो है क्रिकेट ओवरऑल जो है टोटल इंडिया में कोने कोने से जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है आपकी, और वो हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बट एट द सेम टाइम हैरिस शील्ड का फाइनल भी हुआ मेरे ख्याल से सीसीआई में हुआ, आज वानखेड़े पे 3 दिन बच्चे खेलेंगे। आप हमें ये बताइए सर कि इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है, तो मेरे ख्याल से मुंबई क्रिकेट राइट ट्रैक पे है। हम लोग 2 मैचेस भी अभी ये साल पहले जीते हैं, और मेरे ख्याल से और मतलब ज़्यादा अच्छा करेंगे, मुंबई रणजी ट्रॉफी भी, और एज ग्रुप भी जो है वो भी चल रहा है। लेकिन जो पहले इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट था, तो वो कैसे हम लोग और ज़रा सा आगे कर सकते हैं ठीक ठाक, क्योंकि काफ़ी सीनियर क्रिकेटर्स भी इसके बारे में बोला था कि इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट के बारे में, तो आप ज़रा सा उसके बारे में भी प्लीज़। इसका सेकेंड एडिशन चालू होएगा इंटर कॉलेजिएट का। यस, लास्ट टाइम वी हैड डन व्हेन आई वाज अ सेक्रेटरी, ओके, कम 2019। हाँ, हम लोग हर साल करने का सोच रहे थे, लेकिन 2 साल हमारे गए कोविड में। हाँ, तो 2 साल कोविड में जाने के बाद हमने 1 साल तो इंटर कॉलेजिएट का सक्सेसफुल टूर्नामेंट किया। राइट, इस साल हमारा वापस वही प्लान है कि मैक्सिमम कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, उस हिसाब से उसका प्लानिंग चालू है। और ये आपको शॉर्टली आपको पता लग जाएगा कि इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। यहीं अगर ये अभी ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अंडर 14 का ये टूर्नामेंट शुरू है, पेरेंट्स जो है आज की तारीख में अगर पेरेंट्स पे आते हैं बच्चों के, तो वो बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं शुरुआत से ही। और मतलब 4 या 5 साल का उनका जो 5 या 6 साल के बच्चे भी जो है वो कोच के सामने वो आके खड़े करते हैं। हाँ, और एट द सेम टाइम जब 10th होता है तो उनका सब पैकअप हो जाता है। तो आप जरा सा पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, एज वेल एज ऑफकोर्स बच्चों को तो देंगे ही देंगे आप, लेकिन वो जरा सा बताइए कि व्हाट शुड दे डू राइट टू डेवलप देयर करियर, बिकॉज 16-17 साल के बाद ही उनकी असली क्रिकेट शुरू होती है, मसल्स डेवलप होते हैं। तो जरा सा आप इस क्रिकेटर्स के, सभी क्रिकेटर्स मेरे ख्याल से जो भी छोटे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? 16.5 साल में सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेला। राइट, तो डेवलप क्रिकेट 16 साल में होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। क्रिकेट की रुचि अपने बच्चे में है या नहीं है वो आपको 8 या 9 साल तक पता लग जाएगी कि इसकी रुचि कौन से स्पोर्ट में है। तब तक आप उसको सब स्पोर्ट्स खिलाओ, तब तक आप He should be a good athlete basically. He should be a good sports person. Yeah, right. His physique should be suitable to any kind of and sport. Right. Who decides that? वो अपने माँ बाप डिसाइड करते हैं। पहला बच्चे के टीचर्स कौन होते हैं? माँ बाप। बच्चे के कोच कौन होते हैं फॉर एनी स्पोर्ट? अपने माँ बाप। तो उनको डिसाइड करना है पहला कि अपना बच्चे का जो फिजिकल लेवल है और मेंटल लेवल है, इज इट सुटेबल फॉर स्पोर्ट? देन आफ्टर 8 and 9 years, yeah, which sport? Let him play all the sports, indoor हो, outdoor हो, कोई भी sport हो, let him play that. 8 or 9 साल में वो पता चल जाएगा कि वो specifically कौन से sports में जाना चाह रहा है, फिर आपको उसको back करो। लेकिन आपको, मेरा सबसे बड़ा advice सब parents को ये है, आपको judge करना है कि आपका बेटा या बेटी कौन से level का वो sport खेल सकते हैं। हर एक माँ बाप को यही लगता है कि अपनी बच्ची या अपना लड़का इंडिया के लिए खेले, वो सबका ड्रीम होता है, एंड टू हैव दैट ड्रीम इट्स एब्सोल्युटली राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। बट आपके ड्रीम के लिए आप बच्चों को प्रेशराइज करके उसके अंदर पुश करना गलत है। एक सही टाइम पे आपको, और वो माँ बाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चों पे अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वो देखते नहीं है। यू हैव टू सी द परफॉर्मेंस, यू शुड हैव पेशेंस विद योर चिल्ड्रन, यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस, यू शुड गिव देम देयर स्पेस कि वो क्या चाहते हैं। उनको पूछो कि उनको फुटबॉल अच्छा लगता है, बैडमिंटन अच्छा लगता है, हॉकी अच्छा लगता है या क्रिकेट अच्छा लगता है। बिकॉज क्रिकेट इज अ रिलीजन, क्रिकेट इज अ प्राइम स्पोर्ट इन इंडिया। सब माँ बाप यही चाहते हैं कि हम क्रिकेट, उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं तो पढ़ाई। ये टोटली गलत है। आज कबड्डी, आज हॉकी, आज फुटबॉल, आज लॉन टेनिस, आज खो खो, ये सब नेशनल लेवल और ओलंपिक्स में क्वालिफाइड लेवल के स्पोर्ट्स है। क्रिकेट अपना इसके लिए प्राइम स्पोर्ट बन गया है बिकॉज वी आर बीइंग विनिंग क्रिकेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम पास्ट 10-12 ईयर्स वी आर इन ऑल रैंकिंग नंबर 1 और नंबर 2 इन क्रिकेट। सो हर एक माँ बाप चाहते हैं को क्रिकेट लेडीज़ हो, लेडीज़ क्रिकेट हैज़ कम फ्रॉम स्क्रैच लेवल बिकॉज माई सिस्टर प्लेड फॉर इंडिया फॉर 16 ईयर्स। सो कहाँ से कहाँ लेडीज़ क्रिकेट पहुँच गया है। तो सबके माँ बाप को अभी ये लगता है बच्ची हो गए तभी भी इंडिया के लिए खेल सकती है, बच्चा हो गया तभी इंडिया के लिए खेल सकता है।
बट यू आर द फर्स्ट पर्सन टू जज कि वो कौन से लेवल का खेल सकता है। और उसके लिए फिर आपको क्या लगता है, एक थर्ड पर्सन इंटरफेयर करने के लिए लगता है, वो थर्ड पर्सन का नाम होता है कोच, एक्सटर्नल कोच। तो फिर उससे आप रूबरू फ्रैंक बात करो कि मेरा बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन वो स्टैंडर्ड पता करने के लिए आपको उसको 2-3 साल खेलने देना है। बिल्कुल, 9 साल, 10 साल और 11 साल। 11 साल के बाद आपको पता लगेगा ये कौन से लेवल का क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि तभी चालू होता है अंडर 14 कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19। सो नाइस सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विथ अस। सो दिस इज़ SRG स्पोर्ट्स और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय नाइक हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आने वाले दिनों में जो सोच है क्रिकेट प्रति, खासकर बच्चों के प्रति, उन्होंने हमसे बात की। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू लॉट। थैंक यू लॉट। थैंक यू।